उसके बाद घर परिवार रिश्तेदार रिश्ते सबका उम्मीद ये थी की काश एक लड़का पैदा हो जाए उसके बाद फिर एक लड़की पैदा होगी मम्मी के पास चार लड़कियां हो गयी तो घर में इतनी घर में मातम से को कोई खुश है तो मतलब कोई कोई को उम्मीद नहीं थी कि बचने की कि हम बच जाएंगे जिसके सर पर बाप को हाथ भैया को हाथ कोई ना कोई को ना हो तो बहुत ही गंदी नजर से लोग देखने लगा था कि मेरे घर पर पैसा ऐसा नहीं हम तो वह इकट्ठे करके दे दिए मतलब ये मेरो बहुत बड़ो सपन की काश हम इन तक जाए बताते स्टोरी बताते है से गाँ से अरियारी गाँव बहुत ही छोटो गांव है मेरो तो मेरी मम्मी की तीन बेटियां आती उसके बाद घर परिवार रिश्तेदार को सबका उम्मीद ये कि काश एक लड़का पैदा हो जाए उसके बाद फिर एक लड़की पैदा हो गई मम्मी के पास चार लड़कियां हो गयी तो घर में इतनी घर में मातम सोच है को कोई खुश ना है तो कि एक लड़की पैदा होगी मतलब बोझ पैदा होगो इसको हम बाहर कैसे झेले तो बिल्कुल भी कोई बिल्कुल खुशी ही नहीं मनाया रहो तो कोई कि एक लड़की पैदा होगी तीन लड़की हमारे पास वैसे भी थी अब एक लड़की और रहेगी तो अब हम इसको बाहर कैसे झेले फिर एक बार हम बहुत ही मतलब जब पैदा हुए थे तब तो हम भी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए मतलब कोई ब... कोई उम्मीद नहीं थी कि बचने की कि हम बच जाएंगे बदकिस्मती से हम बच गए हम पैदा हुए थे फिर उसके बाद जब हम डेढ़ साल के थे तो मेरे पापा खत्म हो गए खत्म होने के बाद घर में इतनी बुरी हालत गई इतनी बुरी हालत गई कि हम लोग के पास खावे तक को कुछ नहीं रह तक को कुछ नहीं डरी थी वहां पर छप्पर पानी बरसो करे तो हम लोग सरकारी स्कू, स्कूल में रान लगे जाके कि हिन पर बच जाए या पूरा सामान ढो जाते कहूँ इधर रहते कहूँ उधर रहते उसके बाद फिर फिर एक एक छप्पर बनाओ उसमें रान लगे फिर उसके बाद हम चार साल के भाई तो फिर हम हमें लगा तो कि सब बच्चा स्कूल जाते हैं तो हम जाए स्कूल मेरे घर में इतनी अच्छी तो वो है पर इतने अच्छे पैसन से तो हम थे नहीं कि आर्थिक आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो उसके बाद फिर हम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगे चार साल के थे तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े सरकारी स्कूल में पढ़े इतनी अच्छी हमारी पढ़ाई नहीं है आप सबको बताए तो उसके बाद फिर हम और कक्षा आठ तक सरकारी स्कूल में पढ़े बहुत ही खेतन के काम करे सब मतलब बहुत ही आप सबको कहा होता है बहुत संघर्ष झेले हमने उसके बाद फिर फिर लगी कि अब हमने आठ तक तो क्लास कर ली है अब हम कहाँ पढ़ाए फिर हमने मम्मी से बोले कि मम्मी हमें पढ़ने हैं मम्मी बोली कि बेटी पैसा नहीं है तुम पढ़ाए से दें उसके, हम, हम कर -कर 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 -कर, उसके बाद फिर हमने अपना एडमिशन खुद कराओ कक्षा नाइन्थ में प्राइवेट स्कूल में गायत्री महाविद्यालय में फिर उसके बाद हम ज्यादा तो पढ़ नहीं जा पाए कभी कापी नहीं पूरी कर पाए कभी किताब कुछ पूरा नहीं मेरा बस्ता है और ऐसे हम जाते पढ़े तो मार खाते कि तुम आओ कभी पूरो नहीं रहा है तो कभी कभी हम जाते पढ़न हमेशा पढ़न नहीं गए हैं काम खेतन के काम और इधर उधर के काम इतने कर रहे हैं कि ये लगा तो कि चलो हम कुछ खाए मिल जाए कभी इधर उनके घर पर खाए लोग आस पर बहुत छोटे से गाँव से आते तो हम लोग इधर उधर खाए आते कोई दे दे तो खा लेते कब काम कर दो काऊ को झाड़ू लगा दी पोछा कर दो तो मिल जा उसके बाद फिर खेतन को काम कर लेते पापा खत्म होने के बाद बहुत ही बुरी हालत होगी कोई घर को संभालन वालों नहीं तो मम्मी मेरी नर्सिंग होम एक और प्रार्थना नर्सिंग होम है उसको ना वहाँ में काम करने लगी अः पाँच सौ रुपया मिल जाते मम्मी का महीना के सो। तो उसमें बताओ घर चार लड़कियां कैसे पाला लड़कियां भी बड़ी हो रही थी भैया जिसके, जिसके को हाथ को कोई ना कोई को ना हो तो बहुत ही गंदी नजर से लोग देखने लगे थे कि इनकी लड़कियां जवान हो रही हैं कहाँ से जे का कर रहे हैं तो बहुत ही बुरी तरीके से लोग देखने लगे थे फिर फिर उसके बाद

हमने अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत करी है उसके बाद फिर हम काम वाम स्कूल जैसे जाते तो पूरो काम करो घर को सानी चारो भैंसन को काम करके पूरो फिर यू ना हो तो कि हम दो तो पराठे लेके स्कूल चले जाए ऐसे चले जाते स्कूल स्कूल से जब वापस आते छुट्टी होती उसके बाद हम खाना बना कर खाते दीदी मतलब और या मम्मी के साथ रहने लगी हम एक दीदी दोनों लोग घर पे ही रहते बस अब कितो काम जा तो हम लोग कैसे खाते कैसे का करते, हम लोग नहीं तो दीदी हम सब लोग इतने रो करते कि काश मेरे पापा होते कोई भैया हो तो हम हमारा सहारा बन जा तो कोई तो ही नहीं तो हम का करते फिर उसके बाद फिर जब हम पढ़न जाते तो फिर फीस <laughs> जब हम पढ़न जाते तो मास्टर बोले कि तुम्हारे पास फीस नहीं है तो हम कैसे तो, तो हमने जैसे तैसे गुजार दी जब हाई स्कूल हाई स्कूल के पेपर आए उसके बाद हमने कही कि सर जी हम पढ़ ले मेरे घर पर पैसा ऐसा नहीं हम तो इकट्ठे करके दे दिए तो सरजी बोले ऐसे कैसे हम तुम्हें पेपर दे ले फिर फिर हमने जैसे तैसे करके मम्मी से कही कि मम्मी सरजी फीस मांग रहे हैं हम कहा से पढ़ा पेपर नहीं दे दे रहे हैं फिर मम्मी ने बोली कि दियो कि हम गेहूं है बेच के तुम्हें पेपर दिए तुम्हें पेपर दिवा दिए तो मम्मी कहा उधार मांगती थी कि भैया हमें उधार दे दो मेरी बिटिया पढ़ रही है तो मेरे गांव के मतलब बहुत ही खराब लोग रहे कि कोई हमेशा यही कहते कि ब्याज पर रुपया ले तो ले लो कभी ऐसे पैसा नहीं दे हैं। तो बताओ अब ब्याज पर कितने रुपया ले उसके बाद फिर मम्मी ने फिर भी गेहूँ जो रखे थे के दे, हमारे फीस का जे फीस का जे फिर मका के बेच के हमने सात हजार रुपया उन्हें है सरजी को सरजी को दे नहीं भी रुपया हमने मतलब हमारे दिमाग में ये चलत तो कि का हमें फोन मिल जाए तो हम कुछ कर सके ऐसा लगत तो तो हमने हमने मम्मी ने सात हजार रुपया दे उसके बाद हमने फीस नहीं दी उस बार स्कूल से हमने मास्टर उनके इतने ताने सुने अब जब फीस दी नहीं हमने फिर मास्टर से कहे कि सर जी हमें मेरे पास फीस नहीं है अगर पेपर दें दे दो तो दे नाम दो पेपर नहीं दिए हमने ऐसे बोल दे तो जो हमारे पास सात हजार रुपया आते उसके बाद Osionfish. बे रुपया हमने अपनी बड़ी दीदी के दे रहे की दीदी हमें सात हजार रुपया फोन दिलाए मम्मी का नाम बताइयो कि हमने फोन ले लो फीस के रूपये से तो दीदी दीदी हमें बोली कि तुम ऐसा ऐसे कर रही हो हमने की दीदी तुम हमारी बात समझ जाओ तो हमें फोन दिलाए दीदी बोली कि ठीक है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें फोन दिलाए दे रहे तो हमें दीदी ने हमारे फोन दिलाए दो रुपये से जो हमारी फीस की है तीन रुपया उसके बाद फिर उसके बाद हमने फोन ले लो अब हमने मम्मी से कह दी कि ये हो ना फोन दिला हुआ है तो मम्मी बोली ठीक है जब दिला हुआ है तो फीस दे दी हमने कि हाँ दे दी लेकिन फिर उसके बाद हमने टिकटॉक डाउनलोड करो टिकटॉक टिकटॉक डाउनलोड करने के बाद फिर हमें ये ना पता रहा है कि कैसा वीडियो बनाया जात का करो जात है इत इत इतने घबराते इत कि यू फोन कैसा चलाओ जे ले तो लो है इतने हम इत जब जग जाए तो बड़बड़ाए जहाँ बुझ जाए तो बड़बड़ाए कि खराब है वो फोन का उसके बाद फिर हमने जैसा तैसा फोन चलाए वो सीखो एक मेरी फ्रेंड थी उससे हमने फोन चलाए वो सीखो कि बताओ कैसे चलाओ जे फिर हमें बताओ कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जाए फिर हम ना फिर टिकटॉक के वीडियो बनाए जैसे पहले म्यूजिकली नाम है तो वह टिकटॉक को फिर टिकटॉक हो गो उसके बाद फिर वीडियो बनात बनात कम से कम तीन चार साल निकल गए कोई रिस्पांस नहीं कोई कुछ नहीं तो हम बना जा पागलन के तरीके से इस पर कोई रिस्पांस नहीं मिलो तो डांस के वीडियो बनाते उस टाइम बोलन के वीडियो नहीं बनाते फिर पर जब कोई आर्थिक स्थिति ही नहीं सुधर रही थी हम करते का भाई बस मेरे पास सात हजार को फोन है तो बीवो को बस उसी से हम उसी से पागल पागल पंथी भू सवार ऐसा हो गए तो इससे हम कुछ कर सकता था ये मुझे लगत तो लेकिन फिर कब खेतर में काम करेंगे तो हम वीडियो बना ली कब कहा जा रहे हैं थोड़ी वीडियो बना ली तो गांव गांव मोहल्ला वाले लोग इतने बुरी बुरी रहे ऐसे कि देखो कहा नचनिया बन गई है मम्मी के का है कि तुम्हारी बिटिया आ गई है ऐसी ऐसी वीडियो बनाता सबके सामने बच्चन पर का असर बने हम आओ बच्चा ऐसे बने अगर तुम्हारी मोड़ी वीडियो बनाया हमका रोक पाए है तो मम्मी का ये बात खराब लग गई कि ये गाँव वाले भड़का रहे थे हम मम्मी एक तरफ एक तरफ हौसला दे रहे थे कि नहीं हम कुछ कर दिए मम्मी का लेकिन गांव वाले बहुत बुरी तरीका से भड़का रहे थे कि नहीं तुम्हारी बेटिया बहुत गलत कर रही है ऐसा अगर तुम्हारा बाप भैया हो तो, तो तुम्हारी ऐसो नहीं करती तुम देखो कितने गलत कदम उठा रही है तो मम्मी बोली कि हाँ मम्मी समझाओ मारू बहुत ज्यादा की तुमने ये सब काय कर रही है तुमने एक मारे फोन लो मे बेची थी भी मारे फिर हमने फिर मम्मी ने मेरा मतलब फोन फोड़ दो जब माने नहीं मार कर फिर वो समझाया तुमने कि अगर अब तुम दोबारा वीडियो बनाया तो फिर उसके फिर हम तुम्हें फोन फोड़ कर मेरे घर से बाहर निकल गये कि अब तुम देखो क्या करे फिर फिर हमने फिर मेरे पास रीना दीदी आई हम बहुत बुरी तरीका से रो रहे थे उस टाइम की मेरे फोन हूँ फूट गो हम करे तो करे का अब है फिर फिर ये लग है कि अब हमें फोन मिल जाए तो रीना दीदी जैसे रीना दीदी के पास छोट बीना दीदी के पास छोटो से फोन है तो चला टच को तो हमने कही दीदी यू फोन हमें दे दो फिर हमने उनसे मांग लो फोन की हमारी दीदी हमारी बहुत अच्छी है कि हम हमेशा सुनना सपोर्ट करो रीना बीना दीदी ने और सुमन दीदी ने तो फोन दे दो अपनो उन और मम्मी पता चलो कि ये फोन देगी रीना दीदी के रीना दीदी के तो चिल्लाओ मम्मी तुम्हारी तुम्हारी की, की समस्या सब रही हो उसके बाद फिर फिर हम वीडियो बना लगे मम्मी का जैसा तैसा मना लिया घर है, है कि मम्मी हमने ही वीडियो बनाए कम से कम तो दो महीना हमने वीडियो नहीं बनाए उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने लगे फिर हमने टिकटॉक चालू कर दो फिर मम्मी से कहा लगे कि अब फरवा बना लगी वीडियो अब हम करत करे का हमारे ट्वेल्थ के एग्जाम भी आ रहे थे मम्मी कहा मम्मी ने कही तुम फीस मम्मी का लग रो तो किया फीस के रुपया खराब कर दे हजार रुपया हमने कैसा दे थे यहाँ का और यहाँ पढ़न जात नहीं है अब हम पढ़न का जाए मास्टर ही नहीं उन बैठे फीस तो दे नहीं थी तो उसके बाद ट्वेल्थ के पेपर आए पेपर तो हमने जैसे तैसा उसी दिन जाते जिस दिन पेपर बहु उसी दिन गए तो मास्टर ने भगाओ नहीं चिल्लाते जब हम पहले जाते तो चिल्लाते अगर उस दिन गए जिस दिन पेपर हो तो तब तो नहीं चिल्लाने तो फिर हम पेपर दे लेने हमने ट्वेल्थ हाई स्कूल के दोनों पेपर कम्प्लीट कर दे उसके बाद फिर फिर आ था कि फिर हम वीडियो बनाने लगा था फिर हम जैसे कि मजूरी के रुपया मिले थे तो हम मेरे घर में ऐसी स्थिति थी कहो के पास चप्पल ना जूता कुछ ना ऐसे नंगे पैन घूमत रात गांव में कुछ ना है तुम्हारे तो लोग के पास तो फिर हमने कही दीदी हमारे रुपया मिले है दो सौ रुपया की चप्पल खरीदलाए तो दीदी बोली कि तुम्हें तो मिले है तो ले आओ जाए तो हमारे मेरे घर के बगल में मेरे घर के पास में एक बाजार लगत है तो हमने उनका हम तो सबके पूरे घर की चप्पल खरीद ली उसके बाद फिर हमने सेल्फी कैमरा से वीडियो बना दी मेरे मुंह से हमने हाय फ्रेंडा कह दी हाय फ्रेंडा वाली वीडियो इतनी वायरल वही इतनी वायरल हुई रात भरे में पंद्रह मिलियन वीडियो चली अब अब हमें पता ना रहा कि वीडियो वायरल होगी उसके बाद फिर दो चार लड़का मेरे घर पे आए गए सुबह अब मम्मी फिर चिल्ला है कि यू देखो पूरी नाक कटाए है कि लड़का लोग आ रहे हैं घर में काय मारे आ रहे हैं

जैसा तैसा उन लड़कन का फोटो दे पाई अब अब लैं की लैं लगी, लैं की भैया गाती और, और कहा जाता है अब हम अब को भैया इतनी ना नॉलेज इतनी ना इतने पढ़े लिखे थे कि हमें न कहा है का ना कहा है फिर हम हम सबसे कहा लगे भैया हमारे घर है ना मेरी मम्मी चिल्लाती हैं तो फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद टिकटॉक बैन हो गो। अब टिकटॉक बैन होने के बाद अब समझे ना आए कि हमने इतनी मेहनत करी इतने ताने सुने इतने अब गाँव वाले ताने सुनाते कि की तुम तो वीडियो बनाती थी कर ले बदनाम बदनामी कराई ली तुम मिलो का ऊपर से ये सुनबे मिल लो तो फिर हम का करें का करें मतलब दिमाग में रो काम नहीं कर हो तो कि हमने मेरी किस्मत में है सो लिखो इतने इतनी बुरी किस्मत लेके हम पैदा भाई है तो हम रो कर रात रात बार दिन दिन बार सोचोगे भाई की ना हमारी इतनी अच्छी पढ़ाई है ना हम कुछ काम कर सकते था ना घर से ना गांव से कहूँ बाहर जान दो जाते है कि कोई कंपनी में काम कर ले जाए बस हुई तुम घिसो पिटो मरो चाहे कुछ करो यही यही स्थिति गांव के, के लोग कभी मतलब गांव में लड़की अगर पैदा हो है है तो बस यही कह कि शादी करो जाओ फिर उस टाइम जब टिकटॉक बैन गो, फिर मम्मी लड़का लड़का देखने लगी मम्मी बोली कि अब तीनों बहन की मेरी शादी उस टाइम हो चुकी थी बस हम ही अकेले बचे हैं अब मेरी तीनों बहन की शादी हो गई है हम अकेले बचे फिर मम्मी मेरे लड़, लड़का देखने लगी बोली कि अब अब तो तुम अपने 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 कारनामे से तुम भर गई हो पूरी गई हो गई अब अब तुम अब तो हम मान भी मम्मी मेरी बीमार फिर होने लगी फिर उसके बाद बोली कि अब तुम्हारी शादी कर दे रहे तुम जाओ घर हो घर जाओ कि हम गंगा ले मम्मी ऐसे बोली फिर हमने कही अब हम कुछ कह भी नहीं सकते कि अब हम कुछ कर पाए नहीं तो हम कहा करें तो फिर हम बोले कि ठीक है तुम्हें जो सही लगे उसके बाद मम्मी ने लड़का देखो लड़का मतलब ठीक ठाक घर से देखो कि चलो ये मेरी छोटी बेटिया है अब जैसो मिल जाए वैसो, फिर मम्मी ने एक लड़का देखो फिरोजाबाद में लड़का ने सब मना कर दी की तुम्हारी बेटिया पढ़ी लिखी नहीं है गांव से है हमें चाहिए पढ़ी लिखी अच्छी लड़की चाहिए तो फिर हमसे रिश्ता टूट गो को, कोई कोई फायदा नहीं हो फिर उसके बाद फिर अब शेख सर अंसुल सर आए हमारे पास की हमने तुम्हारे टिकटॉक पर वीडियो देखे थे हमने कि हाँ भैया आप क्या करा देखे थे टिकटॉक बैन लोगों उनका कर सकते बोले कि तुम यूट्यूब पर काम कर सकती हो अच्छो ब्लॉग बना सकती हो अब हमें ब्लॉग ही नहीं पता तो कि हम बनाए का तो बोले कि नहीं हम तुम्हें बताओ करे अब हमारा यही ना भरोसा रहा है कि इन पर हम भरोसा कैसे करें ये अनजान व्यक्ति है कल हमारे उस टाइम हमें इतने लोग आए इतने सपने दिखाए कि तुम बिग बॉस में चली जाओ टिकटॉक के टाइम जब हम वायरल रहे थे तो इतने लोग आए इतने सपने बड़े बड़े दिखाए कि हम आप सब ऐसे कह रहे तुम बिग बॉस में चली जाइए हो तुम तुम्हें इतना रुपया मिले तुम तुम नाटक बनाई हो तो तुम्हें इतना रुपया मिले सब ऐसे कहा अब हम इन पर अंशुल और अभिशेख सर पर का भरोसा करें हम कहते भैया कुछ ना ना अब कुछ हम कर सका था तो हम हमार हौसला बढ़ाओ कि नहीं तुम ब्लॉग बना सकती हो अब मम्मी मम्मी तब चिल्ला लगी कि अब तू फिर इन जाल में पड़न लगी अब जैसे तैसे तो हमने इन सब चीजों से छुटकारा दे बाबे आए गए अब जे, जे टिकटॉक ये यूट्यूब यूट्यूब के बारे में बताने लगे हमने गई अब मेरो हम हम मतलब लग रहा हो तो कि ये बता रहे हैं तो सही बता रहे हो यहाँ उसके बाद फिर हमने उनकी बात पर फोकस करो हमने कही ठीक है अब जैसे तुम्हें ठीक लगे फिर हम मन दबाओ कि ना ना सर हम कुछ ना ये सब कर पाए हमें ना इन सब कर फांसो अब हम जैसे है, तैसे है रहे है। उसके बाद फिर फिर अब से सर माने मान कि तीन चार बार हमारे घर पे आए कि ना तुम कर सकती हो और तुम अलग कर रही हो ब्लॉग ब्लॉग अच्छा तुम छो शॉर्ट ब्लॉग बनाती हो हमें पता ही नहीं ठीक है तुम आज फिर मेरे एक शिवानी कुमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बनाओ उस पर हमने कम से कम हम ना मेरू मन ही ना लगे काम कर हम कैमरा फेस नहीं कर पाते कि बड़ी वीडियो हम बनाए सका की गांव के लोग फिर ऐसा लगे कि देख कैसी भाषा बोलता है गोबर दिखाता है खेत दिखाता है ये को देखे है वीडियो पर ऐसे सब कहा लगे अब हम कहा बिल्कुल टूट गए हम ना कि अब जे, जे सब ही अब मजाक बना तू हम पा पता नहीं क्या करवा रहे गोबर दिखवा रहे मम्मी चिल्लाती है सब करते हम कहा बताओ अब फिर लगा कि नहीं कही सरब सिंह से सरकार कि नहीं तुम अच्छो कर रहे हो तुम्हें इनकी बातें सुन अब तुम सुन ले कुछ दिन बाद तुम्हें यही तारीफ करे है तो फिर हमें लगो ठीक है अब हम को एक महीना में एक ब्लॉग बना कौ बना ही ना करे दो तो दो तो महीना हो जाए ब्लॉग ही ना बनाओ करे ये लोग बहुत ही परेशान रहो करे रहे इतनी हम मतलब इतना पढ़े लिखे में इतना नहीं जानते की इतो इतनी मेहनत करे तो इतने तक आ जाए फिर हमने ये, ये हमारे बहुत ही कमजोर हिंदी तक हम ना सही से पढ़ पाते उसके बाद फिर अब से एक समय पढ़ावो चालू करो हमें यह कहे कि तुम घंटा किताब पढ़ो करो हिंदी की तो तुम्हें लेकिन ये होकर अगर इनकी बात मान ली है तो शायद मेरा कुछ हो जाए तो हम फिर पढ़वो चालू करे पढ़न लगे फिर हमें उसके बाद फिर हम पढ़न लगे फिर मेरी YouTube से पहली इनकम आई बीस हजार उसके बाद फिर मम्मी का कि मम्मी पूरी यूट्यूब की पेमेंट मम्मी दे रही हमें तो एक रुपया तक नहीं मिलो बॉमस की हमने इतनी मेहनत करी हम एक रुपया खर्च कर ले तो मम्मी बोली कि ये रुपया चलाओ मम्मी का जब रुपया दे कि लगो कि हाँ कुछ करो है तब फिर थोड़ो थोड़ा उनसे सपोर्ट मिलो वो चालू हो अब फिर हम ब्लॉग बना बना पाओगे तो मम्मी चिल्लाओग्रे पहले तो मम्मी आगे बारे चिल्ला दे थे कि तू वीडियो का बना है। जब हम वीडियो बनाए ना पाओगे तो मम्मी चिल्लाओगरा की अब तुम वीडियो कुछ नहीं बना पे हो तुम कुछ नहीं कर पे से शेख सर ने कही कि आंटी हम पंद्रह वीडियो को टाइम दो पंद्रह वीडियो हम शिवानी की जीजी खुल जाइए फिर वो वीडियो बनाने लगे उसके बाद फिर हम सोचे कि ठीक है फिर मतलब फिर ऐसे धीरे धीरे करके धीरे धीरे करत करत ब्लॉग चालू करने लगे ब्लॉग बनाने लगे उसके बाद फिर फिर रुपया आए वो स्टार्ट होने लगो जब रुपया आने लगो तो फिर अब गांव मोहल्ला आस पड़ोस के सब या कि बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो ऐसे कान लगे सब इतनी ताने सुनी इतनी मारपीट खाई इतनी सब चीज करन के बाद फिर जब सुनब मिला था कि चलो बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो तो अच्छो लगा था कि चलो इतनी मेहनत करे के बाद चलो ये तो सुनबैंग मिलो यही मेरी जीत है उसके बाद फिर फिर सब अच्छो चलन लगो सब सपोर्ट करन लगे तो ये थी मेरी जिंदगी की कहानी अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ आप गरीब पैदा हुए हो लेकिन गरीब मरोगे नहीं अगर आप में लालसा आए कुछ करवेगी तो यही मेरी कहानी है थी यहीं से आपको धन्यवाद अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर है ये मंच आज में मिलो है आप सबके बदौलत मिलो है अगर आप लोग की कोई कहानी हो तो या मंच पे आएगा आप लोग बताए सकते